नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से 50 गांव में रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। आदमखोर भेड़ियों के हमलों में अब तक 9 बच्चों के साथ कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई ऐसे भी हैं जो घायल हैं। आपको बता दें कि इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी तलाश तेज होती जा रही है, वैसे वैसे इनका खौफ बढ़ता जा रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अलग अलग जगह भेड़ियों की मूवमेंट और उन्हें खदेड़ने का प्रयास, उन्हें पकड़ने की कोशिश और कई जगह उन्हें मारने के लिए ट्रैप। यूपी के बहराइच में आदमखोर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया। अंधेरे में गांव वालों की पहरेदारी के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम। लाठी, भाला और टॉर्च लेकर अपनों की रखवाली में जुटे ग्रामीण। रात का घुप अंधेरा और चारों तरफ टॉर्च की रोशनी की चकाचौंध। तस्वीरें बहराइच के उन इलाकों की हैं जहां पर आदमखोर भेड़ियों ने दहशत मचा रखी है। हर कोई भेड़ियों से जान बचाने के लिए पहरेदारी में जुटा है और इस निगरानी में न्यूज 18 इंडिया की टीम भी खौफनाक भेड़ियों के इलाके में निगहबानी में शामिल है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जिस तरह से भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, उसके चलते लोगों की नींद जो है वो उड़ रखी है। ये सब मजबूरी में एक दूसरे के साथ इस वक्त मजबूती से खड़े हुए हैं और देखिए, इसके पीछे की वजह यही है कि इन्हें अपने घर के बाहर पहरेदारी देनी होती है। गन्ने के खेतों में आकर ये ढूंढ रहे हैं उस आदमखोर भेड़िए को, जिसकी वजह से इनकी नींद जो है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कई दिन बीत चुके हैं। देखा आपने भेड़िया? जी देखा, कई बार यही दिखी है सड़क पर, और कभी गन्ने से निकलती है और हाँ। फिर दूसरे गन्ने में घुस जाती है हाँ। यहाँ पर पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर भेड़िए के टाइप से टहल रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग रात अच्छा। रात भर जाके बस ये बताइए कि सबने टॉर्च हाथ में ले रखा है, डर नहीं लग रहा अगर भेड़िया आ गया तो क्या होगा जिस आदमखोर भेड़िए का जिक्र किया जा रहा है? अरे हम लोग एक साथ में है बिल्कुल ऐसे हाँ। और यहाँ पे हम लोग पहरा दे रहे हैं, रात रात सोते नहीं। यहाँ पे वन विभाग की टीम बिल्कुल देखिए नजर नहीं आ रही, हम लोग ही बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच के गाँव में आदमखोर भेड़ियों का कितना खौफ है, इन तस्वीरों को देख कर अंदाजा लगा लीजिए। लोग भेड़िए के हमले से बचने के लिए मचान का सहारा ले रहे हैं। गांव में ऐसी कई मचाने देखी गईं जहां लोग पनाह लिए हुए हैं। सबको इस बात का डर है कि कहीं भेड़िए का हमला ना हो जाए। न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच जिले में मौजूद उन गांव में पहुंची है जहां पर आदमखोर भेड़िए के आतंक ने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है, उन्हें इस अंधेरी रात में जागने के लिए मजबूर कर दिया है। गांव की दुनिया दूर से देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही चुनौतियों से भरी यहां पर नजर आती है। ये मचान देखिए, इस वक्त आप देख रहे होंगे जगह जगह ऐसे मचान, दरअसल जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किए जाते हैं ताकि यहां पर बैठकर उन्हें खेतों से दूर रखा जा सके। लेकिन इस वक्त जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनी हुई है। आप यहां पर बैठे हुए हैं क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो भेड़िया है उस पर नजर रखेंगे आप यहां से बैठकर? भेड़िए पे तो नजर रखते हैं हम, खास करके जानवर से फसल को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, जो आदमखोर भेड़िए हैं उनके आतंक की वजह से गांव के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच में करीब 50 गांव के लोग सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। न वो चैन से सो पा रहे हैं, न ही जाग पा रहे हैं। परिवार के जवान लोग पूरी रात एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लाठी लेकर खेतों में, गांव की गलियों में निगहबानी कर रहे हैं।
देखिए बहराइच जिले में इस वक्त रोशनी की बेहद जरूरी है। दो तरह की रोशनी इन्हें चाहिए, एक रोशनी चाहिए इस घुप अंधेरे से, एक ऐसे अंधेरे से जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक जो है वो मचा हुआ है बहराइच में, जिसने कई जिंदगियों को अपना निशाना बनाया। दूसरा, जिस रास्ते में इस वक्त हम चल रहे हैं कई गांवों को ये जोड़ता है, आसपास के कई ऐसे गांव हैं जो इसे जोड़ते हैं। आप मुझे आसपास के गांव के नाम बताइए। गांव बगल बादुरिया, धनावा, पसदेवरी, बांसगढ़ी, बकैना, इतने गांव हैं। देखिए अब इन गांव के नाम हम यहां पर क्यों ले रहे हैं, दरअसल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जो पूरा यहां पर जायजा लिया है इन सभी के साथ में, देखिए हम चल रहे हैं, इनका कहना यह है कि कम से कम इतनी रोशनी तो होनी चाहिए कि जिन आदमखोर भेड़ियों का जिक्र यहां पर बार बार किया जा रहा है, जिस टॉर्च को लेकर हम हाथों में घूमने के लिए यहां पर मजबूर नजर आते हैं, उसमें एक भी जो रोशनी है वो नजर नहीं आ रही। इन सब के बीच सवाल यही है कि आदमखोर भेड़िए का आतंक कब खत्म होगा, कब तक 50 गांव के लोग ऐसे ही दहशत के साए में जिएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया अंधेरे में गांव वालों ने चलाया और न्यूज 18 की टीम वहां लगातार मौजूद है। यूपी के बहराइच में भेड़िए की एक ताजा तस्वीर सामने आई, जहां घाघरा नदी के किनारे लोगों के भेड़िए का पीछा करते तस्वीर सामने आई और वहां जिसके बाद इलाके में वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए भेजी गई। लोगों का यह मानना है कि इसकी तादाद 2 या 3 से ज्यादा हो सकती है और अब एनकाउंटर की तैयारी है। आदमखोर भेड़िए की दस्तक अब नए गांव में दिखाई दी है। हुजूरपुर का सुतौली गांव है, यहां की कुछ महिलाएं अपने बकरियों को चराने के लिए खेत में जाती हैं। इनका कहना है कि अचानक एक जानवर आया और मेरी बकरी को उठा ले गया। कौन सा जंगली जानवर था ये, इनसे पूछते हैं कि आप बताइए क्या कौन सा क्या हुआ था उस दिन। पूरी चरावे गई तो खेत में मेढ़े बैठार रही और बकरी का आवा पकड़ लेगा, हुल्लू लिहावे लुल्लू तले लेके उठा ली चला गवा। कौन ले गया? भेड़ा, भेड़ी। बाघ तो नहीं था? बाघ नहीं, बाघ नहीं, बाघ नहीं, भेड़ी उका कहा था। अच्छा तो आप दोबारा जाओगे बकरी चराने? हाँ, जा जा छगड़ी पाले तो जाहिन परी चरावे तो फिर उठा ले, तब क्या होगा? अरे तो क्या हुई ना चरावा जी। कौन सा गांव है ये? सुतौली। सुतौली गांव है, ये बता रही है कि हाँ फिर जाएंगे चराने, अगर उठा लेगा तो क्या करें, मजबूरी है इनके खेतों में जाना। आप बताओ क्या हुआ था उस दिन? नहीं, नहर पर चरावा जाता रहा, नहर पर से एक बकरी ले गए, एक बकरी गन्ना के मेढ़े से ले गए, तो अब डर लागत हम ना चरावे जावा जाता है। बहराइच में एक दूसरे इलाके में रात के अंधेरे में भेड़ियों ने एक बार फिर जानवरों को अपना शिकार बनाया। एक ग्रामीण के घर आंगन में बंधी हुई गाय और बछड़े पर भेड़िए ने हमला कर दिया और बुरी तरह से घायल कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों को ये डर है कि भेड़िया अब उन पर भी हमला कर सकता है। आदमखोर भेड़ियों का हमला और लगातार उनकी तलाश मैसी तहसील के इलाके में की जा रही है। वहां के 50 गांव प्रभावित हैं, जहां पर आदमखोर भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। आज पखरपुर इलाके के गुलहरिया गांव में एक बछड़े पर और एक बकरी पर जंगली जानवर ने हमला किया है। इलाके के लोग बताते हैं, ये राजू निषाद का घर है जहां पर मैं दिखाऊंगा कि ये एक बछड़ा है जो रात में यहीं पर बंधा हुआ था, जहां पर उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, उसे घायल कर दिया है, दीवालों पर खून के निशान है। ये जिस जगह पर ये बंधा बैठा हुआ है यहीं पर इस पर रात में हमला किया गया है, जबकि ये घर के लोग बताते हैं कि इसी आंगन में लोग सो रहे थे। परिवार की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था रात में। जी हम सब अंदर सोए रहे और उठे पर हमारे ससुर रहे, यहाँ पर सास रहे, 3 बजे उठ कर आन है तब देखा गया कि घायल ऐसे पड़ा रहा। हम यहीं से लेटे रहे, हम आप कहते लेटे रहे। तो क्या हुआ फिर? अब आप ख्वाहिश हुआ है और का जंगली को ख्वाहिश, अरे का जंगली जानवर आवा है तो हम सुना का है। कौन जानवर? अभी जंगली सुना जात है, जंगली। ये परिवार के लोग हैं, इनसे पूछते हैं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा यहाँ पर? देखा तो हमने आंखों से नहीं है, लेकिन सब तो पूरा जा रहा है कि सब भेड़िया जो कल वही 10-11 बजे में यहाँ देखा भी गया था, यहाँ से 300 मीटर दूर कल दिन में किसी ने देखा भी था। किसको? जंगली वो भेड़िया को, मतलब लंबा सा मुंह होता है और भेड़ी ऐसा होता है इतकबले टाइप में, कल उसको वहाँ देखा भी गया है। पास के गांव में एक बकरी भी कल खा लिया है, आज हमारे यहाँ हमला हो गया है। और भेड़ियों की दहशत के बीच वन विभाग की टीम लगातार इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रही है।
शरीर के तापमान से आदमखोर भेड़ियों की तलाश हो रही है, जिसे थर्मल कैमरा कहा जाता है। दिन और रात दोनों ही समय भेड़ियों के शरीर का तापमान अलग अलग होता है। ऐसे में थर्मल कैमराज से इन भेड़ियों की पहचान और तलाश की जा रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये वही भेड़िए हैं जो रात के वक्त गांव में घुस जाते हैं, और गांव में घुसकर अमूमन इंसान और इंसान न मिले तो जानवरों पर हमला करते हैं। और अब इन भेड़ियों को तलाश कर इस आतंक को खत्म करने का प्रयास जारी है। भेड़िए का आतंक लगातार जारी, लेकिन इसी बीच देखिए वन विभाग की टीम जो है वो लगातार एक कोशिश कर रही है। ऊपर आप मेरी तस्वीरों में देखिए, जाए एक बार तस्वीर दिखाइए कि आखिर ड्रोन जो है किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, वो जितने भी आसपास के इलाके हैं इन सबको जो है गौर से इस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं भी भेड़िया मौजूद हो सकता है। आपको याद भी होगा कि थर्मल ड्रोन से भी निगरानी लगातार की जा रही थी, जिसमें सबसे पहले भेड़िए कैप्चर हुए थे, जिसके बाद पता चला था कि करीबन 6 भेड़िया जिसमें से 4 जो है पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िया अभी नहीं पकड़े गए। और इसी तरीके से ड्रोन के जरिए अलग अलग जगहों पे पूरे दिन जो है वन विभाग की टीम काम कर रखी है, क्योंकि अभी जो है ये फिलहाल सर कोशिश कर रहे हैं देखने की कि भेड़िया जो है यहाँ पर मिल पाते हैं नहीं। सर बस आप अगर आसान शब्दों में समझा पाए कि किस तरीके से ड्रोन काम करता है। इसमें एक्चुअली थर्मल सेंसर होता है जो बॉडी का टेम्परेचर मापता है, तो अगर कहीं पे बॉडी टेम्परेचर मिलेगा, उसको टेम्परेचर मिलेगा तो वो ब्लैक स्पॉट करके दिखा देगा, हॉट स्पॉट करके दिखा देगा।